हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर। आज मैं आप सबको जो सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का इंटरव्यू हो रहा है उसके बारे में जो पूछे जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन हो उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और आज मैं 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उसे लेकर आया हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे भी पूछे जाने की संभावना उसकी है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, वह प्रपत्र जिस पर एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश होता है उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को हिंदी में विनिमय प्रपत्र भी कहते हैं या विनिमय पत्र भी कहते हैं। और इसकी एक और परिभाषा ये हो सकती है, एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया तथा दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया गया वह प्रपत्र जिस पर एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश होता है उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम श्री रघुवर दास जी है। और इसमें अगर आप लोगों को मेरा पीडीएफ चाहिए, ये जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है और पीडीएफ आप लोग यहां से ले सकते हैं। और इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी क्या योग्यता है। तो यहां पर एग्जामिनर आपसे ये पूछा है कि आपकी क्या योग्यता है, तो योग्यता आपको बताना होगा। और इसके बाद कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। एक चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो पिछला आप लोग अगर ज़रूर देखिएगा इंटरव्यू का, जो जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन उससे भी मिल रहे हैं और वो सारे वीडियो देख लीजिएगा। और इंटरव्यू किस तरह से दिया जाता है वो सब उसमें मेरे जूनियर असिस्टेंट का सीरीज में दिया हुआ है, तो एक बार आप सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है, जिसे CSO भी कहते हैं। और इसके स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद जो पूछा गया वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, मेघालय की राजधानी बताओ। तो मेघालय की राजधानी क्या होगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग होगा। और इसके बाद है CPU का पूरा नाम बताओ। तो CPU का पूरा नाम क्या होता है, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसके बाद है पूछा गया SEBI के बारे में बताओ, मतलब SEBI क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में आपको बताना है। तो SEBI आप लोग जानते ही होंगे कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के होता है। और इसकी स्थापना SEBI की स्थापना जो हुआ है वो 2 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ है। और इसमें इसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और SEBI की स्थापना क्यों हुआ था, तो SEBI की स्थापना आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से हुई थी। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी के वजह से मैंने 2 पार्ट में इसे बनाया है, क्योंकि पहला तो 1 से 5 अक्टूबर तक के जो भी है ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ पाए थे। और आप लोग व्हाट्सएप जिनका इंटरव्यू होते जा रहा है वो लोग व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेज दें, मैं उन सब क्वेश्चंस को अपने वीडियो में लेते रहूँगा। और एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप सबको PDF चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और अगर
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।